दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे क्विक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ एक्स कैम टू एक्सिस गिम्बल की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है राहुल टेक में। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट हमें भेजा है THK वीडियोस ने। दोस्तों ये व्लॉगिंग और अनबॉक्सिंग वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे, इनका लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें ये प्रोडक्ट भेजा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आता है एक्स कैम की तरफ से। तो ये है एक गिम्बल जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन से स्मूथ स्टेबलाइज वीडियो बना सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके खास फीचर क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है। सामने लिखा है एक्स कैम, नीचे बना है हमारा गिम्बल, नीचे लिखा है टू एक्सिस स्टेबलाइजर फॉर स्मार्टफोन। दोस्तों काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में था ये हमने मंगाया है banggood.com से। साइड में लिखा है एक्स कैम, इस साइड में कुछ इसकी पिक्चर्स दी गई हैं कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। पीछे दोस्तों एक बारकोड दिया गया है जिस पे लिखा है ब्लूटूथ, तो जिसके जरिए आप इसे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसका एड्रेस दिया गया है चाइना में ये बना है और इसका प्राइस की बात करूँ तो ये 2500 से 3000 के बीच में आता है, कभी कभी डिस्काउंट में आपको 2000 में भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं डब्बे को अनबॉक्स। डब्बे के अंदर एक और डब्बा, इसे भी खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, आप देख सकते हैं चार्जिंग केबल और भी कुछ है। इन्हें बाहर निकालेंगे और आपको दिखाते हैं क्या है इनके अंदर। उसके नीचे आप देख सकते हैं स्टेबलाइजर हमारा रखा हुआ है। दोस्तों ये है चार्जिंग केबल जिसके जरिए आप इसे चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं जिससे ये अच्छी तरह चलता है। दूसरी साइड में भी कुछ रखा है। दोस्तों ये है एलियन की, आप इसे बोल सकते हैं, या फिर पेचकस स्क्रू ड्राइवर जिसके जरिए आप इसे टाइट कर सकते हैं। और देखते हैं क्या है। दोस्तों इसकी पैडिंग है कुछ, ये जहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन माउंट करते हैं वहाँ की पैडिंग कई बार ख़राब हो जाती है तो वहाँ के लिए वो दी गई है। और दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इसे खाने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे ही ये निकले इसे फेंक दीजिएगा। तो इसको फेंक देते हैं साइड में। और दोस्तों ये वही है जहाँ पर अपना स्मार्टफोन लगाते हैं, पैडिंग कई बार ख़राब हो जाती है तो एक्स्ट्रा पैडिंग दी गई है जिसके जरिए आपको स्मार्टफोन को कोई हार्म नहीं होता। चलिए दोस्तों इसे बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है हमारा स्टेबलाइजर और गिम्बल, देख सकते हैं लिखा है एक्स कैम, नीचे की तरफ भी लिखा गया है इसके बारे में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें करना है अपना स्मार्टफोन को माउंट। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या है। इसके अंदर दिया गया है हमें कैरी केस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है जिसमें आप इसे कैरी करके ले जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, हमें कैरी केस फ्री दिया जाता है बॉक्स के अंदर। दोस्तों ये है एक्स कैम सर्टिफिकेट। दोस्तों ये है यूज़र मैनुअल, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसे यूज़ करने से पहले आप यूज़र मैनुअल अच्छे से पढ़ लें, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक बारकोड दिया गया है जिसे आप बारकोड कनेक्ट करके आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी एक बारकोड दिया गया है, आई थिंक ये वारंटी कार्ड है और कुछ भी नहीं है बॉक्स में। दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इजीली आप कोई भी स्मार्टफोन इसमें माउंट कर सकते हैं, नोट 5 प्रो या कोई भी आपका स्मार्टफोन है, मेरे पास नोट 5 प्रो है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से इसे चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे अप डाउन कर सकते हैं टू एक्सिस को और ये इधर से उधर जाएगा। दोस्तों इसे खोल के आप यहाँ पर अपना स्मार्टफोन माउंट कर सकते हैं ईजिली, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसे वो ऐसे खींच के खोलना है दोस्तों और यहाँ पे अपना स्मार्टफोन लगाने के बाद बैलेंस करना है। जब तक बैलेंस बीच में नहीं आएगा तब तक ये स्टार्ट होगा बट बैटरी ज़्यादा खाएगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक आप इसको स्टेबल बीच में रखेंगे तभी ये अच्छे से चलेगा। यहाँ पे ये पावर बटन है, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों मैंने कुछ सैम्पल शॉट्स लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे।